जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, घातक स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान। ढाका के महाधर्माध्यक्ष ने कहा 10 लाख से अधिक लोगों के घर पानी में। भारत में कैथलिक वकीलों ने हाशिए पर पड़े समुदाय पर नए कानून के प्रभाव की चेतावनी दी। चंगनाचेरी और शमशाबाद के लिए प्रीलेट नियुक्त किए गए। पूर्वोत्तर भारत में कलीसिया जुबली 2025 की तैयारी कर रही है। CRI गोवा ने जुबली 2025 की तैयारी के लिए ज्ञानवर्धक अध्ययन सप्ताहन की मेजबानी की। कैथलिक संगठन ने किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच की मांग की। देश में बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर झड़पों में बदल गया। भारतीय पुरोहित को सलेशन वैश्विक संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। घातक स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में परम धर्म पीठ के स्थायी परिवेक्षक वाटिकन के दूत महाधर्माध्यक्ष एतोर बेलेस्त्रो ने विभिन्न राष्ट्रों के विशेषज्ञों के समक्ष इस बात की पुनरावृत्ति की कि AI संचालित अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित हथियारों को कभी भी किसी इंसान की जान लेने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 26 से 30 अगस्त तक घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर संपन्न विशेषज्ञों की सभा में परम धर्म पीठी परिवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बेलेस्त्रो ने कहा कि एक ठोस कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण प्रदान करना अत्यधिक तत्कालिकता है, जो तथाकथित घातक स्वायत्त हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकते हैं तथा उनके विकास पर तत्काल रोक स्थापित कर सकते हैं। ढाका के महाधर्माध्यक्ष ने कहा 10 लाख से अधिक लोगों के घर पानी में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के महाधर्माध्यक्ष बेजॉय एंड डिक्रूज OMI ने बाढ़ के कारण बढ़ती हुई मौतों और 50 लाख लोगों को प्रभावित करने वाली अत्यधिक पीड़ा की चेतावनी दी है तथा रोहिंग्या लोगों की जारी पीड़ा के बारे में बताया है, जो अपने दुख के बावजूद पॉप के प्रति उनकी व्यक्तिगत निकटता के लिए आभारी है। ढाका के महाधर्माध्यक्ष बेजॉय एंड डिक्रूज OMI ने एक साक्षात्कार में कहा उनके मन में रोहिंग्याओं के प्रति आघात प्रेम है तथा उन्होंने उनके प्रति अपनी चिंता और एकजुटता दिखाई है। पोप फ्रांसिस हमारे बहुत करीबी हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं तथा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। भारत में कैथलिक वकीलों ने हाशियों पर पड़े समुदाय पर नए कानूनों के प्रभाव की चेतावनी दी। दिल्ली वकील फोरम, जो कैथलिक वकीलों का एक दल है जिसमें पुरोहित और धर्म बहने भी हैं, ने नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक संस्था में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। कैथलिक कनेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली वकील मंच का उद्देश्य पुरोहितों और धर्म बहनों को नए आपराधिक कानून के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों, दलित, आदिवासी और अन्य हाशियों पर जीवन यापन करने वालों के समूह की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी ज्ञान देना है। 26 अगस्त को आयोजित इस फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित दिल्ली की विभिन्न अदालतों में वकालत करने वाले सदस्य शामिल हैं। यह फोरम पुरोहितों और धार्मिक नेताओं के राष्ट्रीय अधिवक्ता फोरम से संबद्ध है। चंगनाचेरी और शमशाबाद के लिए प्रीलेट नियुक्त किए गए। मार थॉमस थराइल को चंगनाचेरी का आर्चबिशप और मार प्रिंस एंटनी को शमशाबाद के लिए प्रीलेट के रूप में चुना गया। केरल के माउंट सेंट थॉमस में एकत्रित सिरोमालाबार मेजर आर्चिपिस्कोपल चर्च की धर्मसभा ने CCEO के अनुसार पूर्व पोप की सहमति प्राप्त करने के बाद चंगनाचेरी के आर्चबिशप को वैधानिक रूप से चुना। मार थॉमस थराइल, जो वर्तमान में चंगनाचेरी के आर्चबिशप के सहायक हैं, और मार प्रिंस एंटनी, जो वर्तमान में आदिलाबाद के अपार्ची के बिशप हैं, के चुनाव की घोषणा 30 अगस्त 2024 को की गई। पूर्वोत्तर भारत में कलीसिया जुबली 2025 की तैयारी कर रही है। पूर्वोत्तर भारत में कैथलिक कलीसिया ने 1999 में संत पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा जारी किए गए प्रेरितिक उपदेश एलेक्सिया इन एशिया पर फिर से विचार करके जुबली वर्ष 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। यह गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डायसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी की जुबली मेमोरियल हॉल में 3 दिवसीय वार्षिक क्षेत्रीय पुरोहित सम्मेलन में किया गया। संत पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा एशिया में एलेक्सिया नामक प्रेरितिक उपदेश जारी किए हुए 25 साल हो चुके हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य एशिया में कैथलिक धर्म के विस्तार के लिए खाका तैयार करना है। चूंकि एशिया में एलेक्सिया का रजत जयंती वर्ष पोप फ्रांसिस द्वारा घोषित आशा की जयंती 2025 के साथ मेल खाता है।
सीआरआई गोवा ने जुबली 2025 की तैयारी के लिए ज्ञानवर्धक अध्ययन सप्ताहन की मेजबानी की। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया सीआरआई गोवा इकाई ने 24 से 25 अगस्त को पुराने गोवा में सेंट जोसेफ वाज आध्यात्मिक नवीनीकरण केंद्र में एक महत्वपूर्ण अध्ययन सप्ताहन की मेजबानी की। जुबली 2025 की तैयारी के लिए अभिन्न अंग इस कार्यक्रम ने द्वितीय वेटिकन परिषद के संवैधानिक की व्यापक खोज की, जिसमें धार्मिक नेताओं और प्रतिभागियों को चर्च के प्रमुख दस्तावेजों में गहन जानकारी देने के लिए एक साथ लाया गया, जो आगामी जुबली समारोह को आकार देंगे। कैथलिक संगठन ने किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच की मांग की। एक कैथलिक समूह ने कथित तौर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की संघीय जांच की मांग की है, जिसमें सैकड़ों इलायची किसानों को निशाना बनाया गया, जिसमें से कई केरल के इडुक्की धर्म प्रांत के कैथलिक है। दक्षिणी केरल में इडुक्की धर्म प्रांत की हाई रेंज संरक्षण समिति संरक्षण परिषद के महासचिव फादर सेबेस्टियन कोचुपुरक्कल ने कहा, 1500 से अधिक इलायची किसान धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, जिसमें 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पुरोहित ने 30 अगस्त को बताया कि केरल के पलक्कड़ जिले के एक मुस्लिम व्यापारी मोहम्मद नसीर इसका सरगना है। कोचीपुरल के अनुसार नसीर ने किसानों से सूखी इलायची खरीदी। उन्होंने उनकी उपज के लिए मौजूदा बाजार दरों से अधिक रिटर्न देने का वादा किया। देश में बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर झड़पों में बदल गया। कोलकाता में 28 अगस्त को हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जहां एक डॉक्टर की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच हिंसक सड़क झड़पों में बदल गई। 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर का खून से लथपथ शव मिलने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के पुराने मुद्दे पर पूरे देश में गुस्सा भड़क गया है। इससे पूरे भारत में हजारों आम नागरिकों द्वारा समर्थित डॉक्टरों रेलों द्वारा हड़तालें शुरू हो गई है। हालांकि तब से कई डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में बार बार होने वाले विरोध प्रदर्शन राज्य की सत्तारूढ़ AITMC और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच झड़पों में बदल गई हैं। भारतीय पुरोहित को सेलेशन वैश्विक संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। रोम स्थित सेलेशन उच्च शिक्षा संस्थानों का वैश्विक प्रमुख एक भारतीय पुरोहित को नियुक्त किया गया है। सेलेशन डायरेक्टर मेजर के पुरोहित फादर स्टेफानो की ओर से कोलकाता प्रांतीय को भेजे गए एक संदेश में सेलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी और सोनाडा के पूर्व प्रिंसिपल फादर जॉर्ज अब्राहम को IUS का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई है। संदेश में कहा गया है कि वे 1 सितंबर से प्रभावी रूप से युवा मंत्रालय के जनरल काउंसिल फादर मिगुल एंजेल ग्रासिया के नेतृत्व में युवा मंत्रालय विभाग के साथ काम करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि 61 वर्षीय भारतीय सेलेशन को विशेष रूप से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जाने के लिए कहा जाएगा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।